हेलो फ्रेंड्स वेलकम राम आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज एक हम सोशल मीडिया ऐड पोस्ट डिजाइन करना सीखेंगे प्रोडक्ट के लिए जैसे कि मैंने डिजाइन किया हुआ है ऐसा कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल डिजाइन करना सिखाऊंगा आप सभी को स्टेप बाय स्टेप तो प्लीज़ बने रे इस वीडियो में स्टार्ट टू तक तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मैं चैनल को लाइक सहयोग करिएगा ताकि आप सभी का कुछ नया क्रिएटिव सीखने में जरूर तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं तो हम आगे फोटोसो सी सी में मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं सारे रखता हूँ वन जीरो एट जीरो सेम एवेंट जीरो नए कलर मेरा आर जी बी और यहाँ पे फाइनली में देता हूँ मैं पोस्ट हैग और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ तो ये हमारा डिज़ाइन साइज आ गया आपका अब मैं बैग्राउंड पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा सॉलिड कलर में और यहाँ से ये मैं बैकग्राउंड कलर ले लूँगा सब कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा ओके करूँगा अब मैं इसी को पे क्यू ले लूँगा और यहाँ से जाऊँगा कलर बॉक्स पे और यहाँ पे मैं ये कलर ले लूँगा ओके करूँगा अब मैं यहाँ पर ब्रश को सिलेिक करूँगा और यहाँ से जा कर ब्रश को चूज़ कर लूँगा इसे क्लोज़ कर लूँगा और यहाँ पे ब्रश को इस तरह में मरा करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह इफ़ेक्ट आएगा अब इन दोनों को मैं लॉक कर लूँगा कंट्रोल होल्ड करके और यहाँ पर लॉक कर लूँगा ताकि हमारा डिज़ाइन है लेना अब मैं यहाँ से मैं रेक्टेंगल लूँगा और यहाँ पर इस तरह मैं एक रैक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसका कलर मैं डार्क ले लूँगा जो कि मैंने यहाँ बैकग्राउंड में कलर लिया हुआ इस, इस, इस रिलेटेड में थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊँगा और डार्क ले लूँगा इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा ओके करूँगा अब मैं यहाँ पे इसी के ऊपर एक न्यूलियर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं एलिस्टूल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इस कॉर्नर पर रख के इस तरह में एक सर्कल ड्रा करूँगा मैं और यहाँ पर वोटूल को सिलेक्ट करके मैं डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा और इसे इस तरह में एडजस्ट कर कंट्रोल टी करूँगा इसे इस तरह में से पकड़ के इसे इस तरह एडजस्ट कर लूंगा इंटर करूँगा अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा इसी के ऊपर और यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर टार्क यानी कि नीचे के ताक में ले लूँगा इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा ओके करूंगा अब मैं इसे एक डुप्लीकेट लिखा लूँगा कंट्रोल जे प्रेस करके और यहाँ पे मैं इस रेस्ट्रो पर सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं कलर बॉक्स पर जाके कर यहाँ पर वाइट कलर ले लूँगा बॉर्डर और यहाँ पर फिल कर लूँगा ऑफ और यहाँ पर मैं इसका बॉर्डर फाइ तक लेता हूँ और इंटर करूँगा और यहाँ पर मोटू बो सेक्ट करूंगा मैं इसी को पे मास्किंग ऑन करूँगा इस वार्ड वर्क पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्रश को छोटा कर लूँगा क्लोज बैकलेट जो कि मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है इस तरह में इसे अरेंज कर लूँगा मैं तो ये जाऊँगा कुछ इस तरीका है दोस्तों अब मैं इस टेमर पर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ इसी को एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे मैं कलर बॉक्स पे जाके इस बैकग्राउंड कलर को पिक कर लूंगा इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा ओके करूँगा अब मैं यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है ब्रश को ओपन ड्रैक इस तरह में बड़ा कर लूँगा और यहाँ पे सिफ्ट होल्ड करके रखूँगा और यहाँ पे इस तरह में ड्रैक करके क्रिएट कर लूँगा मैं और यहाँ अल्ट होल्ड करके इसे क्लिक कर लूँगा जो कि एरो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर क्लिक हो जाएगा ये अब इन चारों लेवल को मैं सिप्ट पकड़ के इस तरह में सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लूँगा अब इसी का डुप्लीकेट डुप्लिकेट लिखा लूँगा मैं कंट्रोल जी प्लेस करके अब ये नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल टी करूँगा इसे इस तरह में रोटेट करके मैं इस तरह में साइड में रख लूँगा इंटर करूँगा अभी ऊपर लेयर को सेलेक्ट करूँगा पन्न उल्टी करूँगा इसे इस तरह मैं राइट साइड में ला के इसे इस तरह मैं क्रॉस करूँगा इसे इस तरह यहाँ पर मैनेज करूँगा मैं इंटर करूँगा और ये लेयर को सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ रखूँगा इसे इस तरह मैं बड़ा करके इस तरह कॉर्नर में रखूँगा मैं नीचे की तरफ बुला के इस तरह अब मैं यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर किन्यूल लेर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा ब्रश में ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर ये कलर में पिक कर ओके okay करूँगा और यहाँ पे ब्रश को बड़ा करके मैं यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँगा और यहाँ पे यहाँ पे मैं ये लेयर को रिलीज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे स्लिप करूँगा कंट्रोल टी करके मैं इसे इस तरह में छोटा कर लूँगा मैं इस तरह और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे मैं फ्लिप वर्टिकल कर लूँगा और यहाँ ऊपर की तरफ इसे इस तरह में अरेंज कर लूँगा मैं इस लेयर को कंट्रोल टी करके थोड़ा सा और मैं छोटा कर लूँगा इस तरह ऊपर स्प पकड़ के मैं इसे इस तरह नीचे की तरफ ला कर इसे बड़ा कर लूँगा इंटर करूँगा तो ये जाऊँगा कुछ था 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 इस तरीके का दोस्तों अब इस सिलेक्शन को सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे ग्रुप में जा कर यहाँ पे सर सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे ये ग्रुप है तो यहाँ पे मैं लेयर कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट कर करेगा ऑटोमेटिकली और यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा अब इसे को एक न्यू लेयर लूंगा और यहाँ पे मैं कलर बॉक्स पे जाके कर यहाँ से एक कलर पिक कर लूंगा सर कोड यहाँ पे आ जाएगा अब मैं यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ब्रश को छोटा करके थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करूंगा कंट्रोल डी करके से डिलीट कर लूँगा मैं अब मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी सिलेक्शन ऑन हो जाएगा यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे मैं ब्रश को सेलेक्ट करके यहाँ पे भी इस तरह क्लिक करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करके इसे भी डिलीट कर लूँगा तो ये डिलाना कुछ इस तरीके दोस्तों इस लेयर के ऊपर में एक न्यू लेयर लेता हूँ मैं इसे ड्रैक करके इस, कर इस ग्रुप से बाहर कर लेता हूँ मैं इस तरह अब मैं यहाँ पे ब्लैक एंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसका कलर मैं डार्क ले लूँगा नीचे की तरफ आके इस तरह सब कलर कोडी यहाँ पर आ जाएगा ओके करूंगा अब इसी को पे एक न्यूलियर लूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा ब्रश में ब्रश में जाके मैं ये कलर को पिक कर लूँगा और यहाँ पर ब्रश को छोटा कर लूँगा मैं जो कि ऑलरेडिंग सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है मैंने और यहाँ पर सिफ्ट होल्ड करके रखूँगा और इस तरह मैं ड्रैक कर लूँगा तो है कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा अब इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा मैं पहले तो मैं क्लिक करने लेता हूँ स्लेयर को अट्लेस करूँगा और इसके अंदर क्लिक कर लूँगा तो इसके अंदर क्लिक हो जाएगा एक्स्ट्रा डिज़ाइन के अंदर चला जाएगा इन दोनों को कंट्रोल वर्ड वगैरह रखूँगा सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए कर लूँगा तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे अपने आप में और मैं यहाँ पर इसे ड्रैक करके बिल्कुल बैकग्राउंड के पीछे रखूँगा मैं इसे ड्रैक करके इस तरह थोड़ा ऊपर ले लूँगा मैं और यहाँ पे कंट्रोल टी करके मैं इसे इस तरह में इसे छोटा कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसे इस तरह में अरेंज करूँगा मैं यहाँ पे नीचे की तरफ इसे इस तरह में बड़ा कर देता पम और ऊपर की तरफ भी इस तरह इंटर करूंगा अब मैं यहाँ पे कंट्रोल अल्ट टी करूंगा और यहाँ पे सिफ्ट राइट एरो से इसे इस तरह आगे ले लूंगा मैं थोड़ा एरो से मैं अरेंज करूंगा मैं इसे और इंटर करूंगा अब मैं कंट्रोल सिफ्ट अल्ट टी प्रेस करूँगा तो इसका डुप्लीकेट आ जाएगा अब मैं ढेर सारा डुप्लीकेट निकाल लूंगा इसका इस तरह में प्रेस करके टी अब मैं इन सारे लेयर को सेलेक्ट करूँगा सिर्फ पकड़ के होल्ड करके रखूँगा मैं और यहाँ पे लास्ट वाले लेयर को मैं सेलेक्ट करूँगा इस तरह में तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएँगे कंट्रोल ई कर लूँगा मैं तो ये सारे मर्ज हो जाएंगे अब मैं फिर से इसे ऑन ऑफ करके देखूँगा तो ये सारे मर्ज हो गए अब मैं यहाँ पे इसे इस थोड़ा सा मैं अरेंज कर लूँगा इस तरह एरो से यहाँ पे इस तरह मैं मैनेज करूँगा मैं कुछ इस तरह है दोस्तों अब मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ला के मैनेज करता हूँ तो यहाँ फटाफट दो प्रोडक्ट ला के रख लेता हूँ मैं तो मैंने यहाँ पे दो प्रोडक्ट ला के रख लिया है शूज का और यहाँ पे मैं टॉप लेफ्ट ले रखूंगा इसे इस तरह और यहाँ पे इस तरह मैं अरेंज करूंगा मैं इसे यहाँ इस पे रख लूंगा और इसे इस तरह में अरेंज करूंगा मैं और इन दोनों के नीचे मैं एक न्यू रख लूंगा इस ग्रुप से मैं इसे निकाल के ऊपर की तरफ रख लूंगा अब मैं यहाँ पे जाऊंगा ब्रश में ब्रश में जाके यहाँ से डार्क कलर पिक करूंगा ब्लैक नीचे की तरफ आऊँगा और यहाँ पे ओके करके यहाँ पे मैं साउंड बर्स को सेलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट है और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तीसरा एक ब्लैक इफेक्ट आएगा इसे इस तरह मैं बैंड करूँगा सिप पकड़ के और यहाँ पे मैं इसे इस तरह रोटी करके इसे इस तरह मैं बड़ा करूँगा और ये बिल्कुल शूज़ के पीछे रखूँगा थोड़ा और रोटेट कर लूँगा मैं इस तरह में ऊपर की तरफ आऊँगा मैं पिंकट करूँगा अब इसी का डुब्लिकेट ले लाऊँगा अल्ट प्रेस करके और यहाँ पर इस तरह इस शूज़ के पीछे रख लूँगा मैं ताकि इसका एक शेडो लगे इस तरह और इसे इस कॉर्नरस में बड़ा कर लूँगा मैं इंटर करूँगा अभी इन शूज को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा चाहे तो यहाँ पे एफेक्स में जाते हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा ड्रॉप शेडो में और यहाँ पे मैं इसका ब्लैक कलर रख लूंगा डार्क और यहाँ पे साइड डिस्टेंस सब जीरो कर लूंगा मैं अब मैं यहाँ पे मोटूम को पकड़ के मैं इस तरह में इस तरह नीचे की तरफ इसे थोड़ा सा मैं शेडो दूँगा इसे इस तरफ ओके okay करूँगा अब मैं इस स्विच को सिलेक्ट करूँगा और इसे पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ड्रॉप शेडो को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर थोड़ा सा एक शेडो आएगा और यहाँ पर थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ाऊँगा मैं ज़्यादा नहीं और ओके करूँगा कंट्रोल जीरो को मैं डिज़ाइन पे आऊँगा तो ये डिजाइन का कुछ इस तरीके है दोस्तों अब यहाँ पे मैं टॉप लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट से प्रेस करके मैं इस डिज़ाइन को सारी कंबाइन कर लूँगा अब मैं जाऊँगा इमेज में और यहाँ से जाऊँगा मैं एडजस्टमेंट में जाके कर यहाँ से ब्राइटनेस में जाऊँगा और यहाँ से थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस बढ़ाऊँगा और प्रैक्टिस थोड़ा सा कम कर लूँगा इसका इस तरह की करूँगा मैं फिर से इमेज में जाके एडजेस्टमेंट में जाके यहाँ से जाऊँगा वाइब्रेंस में और यहाँ से इसका सिचुएशन बढ़ाऊँगा मैं थोड़ा और यहाँ पर वाइब्रेंस भी बढ़ा लूँगा ये करूँगा अब मैं फिर से इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाऊँगा और यहाँ पे एक्सपोजर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका गंवा बढ़ाऊँगा मैं इस तरह और यहाँ पे थोड़ा सा इसका ऑफ्सर भी बढ़ा लूँगा मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा मैं और यहाँ पे एक्सपोजर में इसका बढ़ाऊँगा थोड़ा ये करूँगा अब मैं जाऊँगा फ़िल्टर में और यहाँ से जाऊँगा मैं नॉइज़ में और यहाँ पे एड नॉइस करूँगा मैं और यहाँ पे मैं नॉइज़ रखता हूँ मैं सिक्स तक और यहाँ पे ओके करूँगा अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा कैमरा रॉ में और यहाँ से जाऊँगा इफ़ेक्ट में जाके कर यहाँ से इसका टेक्स्चर बढ़ाऊँगा थोड़ा और यहाँ पर थोड़ी सी इसकी क्लियरिटी बढ़ा लूँगा मैं और यहाँ पर मैगनेट को थोड़ा मैं माइनस करूँगा मैं और यहाँ गेंद को भी थोड़ा बढ़ा लूँगा मैं सिक्स तक रखता पाऊँगा और यहाँ पर ओके करूँगा तो फाइनल दोस्तों रिजाइन हमें रेडी हो गया सोशल मीडिया ऐड पोस्ट के लिए तो दोस्तों डिज़ाइन आपको तो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा अगर मेरे चैनल चाहे नए तो भी मैं को लाइक जो करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में